Hi guys, welcome to TISNET 2023 preparation video, and in this video we'll talk about MHA and MPH program, specific to MHA program, health administration and public health. Okay, so those who are targeting for these two program, ye video aapke liye kafi detail mein hone wala hai, and how to play safely in terms of the score, that also we'll discuss in this video. How to deal with the section, English ho gaya aapka, maths ho gaya, logic ho gaya, एंड जी के हो गया. ठीक है, दोज आर वीक इन मैथ्स स्पेशली, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. दोज आर वीक इन मैथ्स, तो आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, एवरीथिंग वी लुक एट इन दिस वीडियो. सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि कितने लोग MPH और MHA प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो एंड विच एवर कैंपस यू आर टारगेटिंग फॉर, वेदर इट इज़ फॉर मुंबई, वेदर इट इज़ फॉर अदर कैंपसेस. ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग एनी अदर प्रॉब्लम और यू वॉन्ट मी टू मेक सम अदर वीडियो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम. ओके, so before we proceed, let me tell you about the preparation part, batches part. So if you have not yet started your preparation, अभी October start हो गया है, 3 months का time, 90 days का time बचा हुआ है, do start your preparation. Last में बहुत difficult हो जाएगी preparation. ठीक है, so batches को लेके there is a classroom also, there is a live program also. So classroom अगर आप मुंबई बेस हो तो दादर बोरीवली वैसे you can visit, but if you are not मुंबई बेस, you can check out our online program, live classes you can join. Okay, so 8828581455 you can contact our team on this number, and this is what the complete curriculum which you will be getting for your preparation part. Okay, and in case if you want to order the book mock test, so log on to menvideo.com/test-entrance. All this information I have mentioned in the description, kindly check the description. All right, now let's talk about the cutoff. So health system ko lekar ke aapka ek to hospital administration hai, public health hai, health policy, economics and finance एंड सोशल एपिडेमोलॉजी, ये जो है वो रेंज है, इसके बीच में आपका कट ऑफ रैम्बल करेगा. नाउ कट ऑफ डिपेंड करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल उस साल की क्या थी, लाइक 2023 में डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, एंड कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, हाउ मेनी एप्लीकेंट हैव रजिस्टर्ड फॉर द टेस्टनेट 2023, ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द टेंटेटिव रेंज आई एम गिविंग यू, 60 से 66 का फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, 57 से 65 रैम्बल करेगा पब्लिक हेल्थ को लेकर के, 56-62 रफली फॉर द हेल्थ पॉलिसी एंड सोशल एपिडेमोलॉजी को लेकर 54 से लेकर 60. ठीक है, ये रेंज है, सो दिस विल कीप ऑन चेंजिंग. ओके, सो लुकिंग एट द कट ऑफ, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 65 से 70 के बीच का टारगेट लेके चलना है. जितना ज़्यादा टारगेट लेके चलोगे, जितना हाई टारगेट लेके चलोगे, यू विल बी नियर टू योर गोल, वेरी सिंपल इट इज़. बट अगर आपने ये सोचा कि 60 का टारगेट लेते तो आपका स्कोर आएगा 55 और नियर टू 55 और 52 समथिंग अराउंड. बट अगर आपका कट ऑफ 70 के आसपास है, तो डेफिनेटली आप 60-65 के बीच में रैम्बल करोगे, तो आपका जो टारगेट है वो हाई लेके चलो. ठीक है, नाउ थ्री सेक्शंस आर देयर, कॉन्ट, देन इंग्लिश एंड जीके. अभी कॉन्ट के अंदर आपका एक तो मैथ्स हो गया, DI हो गया एंड LR हो गया. ठीक है, सो जितने लोग का मैथ्स वीक है उनको मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा अरिथमेटिक के टॉपिक प्लस DI, ये दो टॉपिक पे पहले अटैक करो. अभी अरिथमेटिक के टॉपिक कौन कौन से, परसेंटेज जॉट डाउन करो, लिखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, पेन ले लो और लिखो, और यही टॉपिक आपको करने हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये पूरे अरिथमेटिक के टॉपिक है, मैंने नाम भी आपको पूरे बता दिए. ये टॉपिक से 9 to 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, और DI से 5 to 6, मतलब आराम से आपका 15 to 16 मार्क्स का प्रिपरेशन यहाँ से ही हो गया, दो टॉपिक अच्छे से कर लिया आपने. तो जैसे ही आप ये दो टॉपिक करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. फिर हम ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन वो वाले पार्ट भी करेंगे, अलजेब्रा वाले पार्ट, मॉडर्न मैथ्स वाले पार्ट भी करेंगे, बट पहला अटैक आपका ये दोनों टॉपिक पर रखो. ठीक है, स्पेशली जो वीक है मैथ्स में, आपका अरिथमेटिक अच्छे से कर लेना, पूरे मैथ्स में ये काम आने वाला है आपका, परसेंटेज स्पेसिफिकली. ओके, इंग्लिश में वो कैब, RC 10 क्वेश्चन तो RC के फॉर श्योर फिक्स है, और वो कैब में भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, एंड ग्रामर वाले क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है एंड वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट, पैराग्राफ जंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है. ठीक है, और GK तो जिस दिन से मेरा ये वीडियो देख रहे हो चालू कर दो, स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर्स. सो Jan 2022 से लेके December 2022 तक का डेटा आपको गो थ्रू करना है. आपके मेनूवर के डैशबोर्ड पर सारे वीडियोस है, हैंडआउट्स है, बुक्स दिए हुए, काइंडली स्टार्ट रेफरिंग ऑल द मटेरियल.
स्टैटिक को लेकर के पहले वीडियो देखो, फिर हैंडआउट्स गो थ्रू करो. कंप्लीट स्टडी सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अगर आपने लाइव क्लास है तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, सो इन दैट ऑल्सो वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट. सो इफ यू हैव नॉट येट ज्वाइन द बैच, काइंडली ज्वाइन द बैच एंड वॉच द ऑल द वीडियोज एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ठीक है. सो स्कोर वाइज इफ यू टॉक अबाउट, आपने 20 यहाँ पे स्कोर किया, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, तो आपका 60 का स्कोर बनता है. ठीक है. जीके इतनी मेहनत कर लो कि 25 प्लस कहीं नहीं जाना चाहिए आपका. इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो 25 आई एम एक्सपेक्टिंग हेयर, तो ये 50 मार्क्स हो गए. अगर आपका ये 20 यहाँ पे आता है तो 70 मार्क्स. आपको मैथ्स में 20 तो लाना ही लाना है. अगर आपने मैथ्स में स्कोर कम किया तो आपको यहाँ पे स्कोर बढ़ाना पड़ेगा जीके एंड इंग्लिश. ठीक है. तो 20 मिनिमम आउट ऑफ 30 अगर आपका आता है. अगर आपका मैथ्स वीक है तो, अगर अच्छा है तो आप 25 प्लस भी हिट कर सकते हो, 30 भी ला सकते हो, नॉट एन इशू. ठीक है. सो विच एवर कोर्सेस यू आर टारगेटिंग, उसको लेके स्कोर क्या चाहिए वो आपको, ये दोनों, ये क्लैरिटी आपके अंदर पहले होनी चाहिए. एंड जो भी कैंपस आपको जाना है उसका भी प्रिंट निकाल के आपके स्टडी टेबल के सामने लगा दो. आपका टारगेट आपके सामने चाहिए. ठीक है. अभी 90 डेज बचा हुआ है, स्टार्ट कर दो मेहनत करना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा. एंड एज आई कीप ऑन सेइंग, डोंट डिले योर प्रिपरेशन. 45 से 50,000 एप्लीकेंट पार्टिसिपेट करने वाले, इनके साथ फाइट करनी है अपने को, और अपने को एक सीट सिक्योर भी करनी है. तो आप डिसाइड कर लो कितनी मेहनत करनी है और आपको और आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है एंड हाउ यू विल बी स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन बेसिकली. ठीक है. एंड फॉर एनी असिस्टेंट बैचेस को लेके ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.